डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम आठवां भाग हम बना रहे हैं। तो आठवें यानी सातवें भाग में हम बताए थे लेटस का प्रयोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेटस है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, और आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, देखिए ऐसे पाई खींचा रहे ऐसे बिंदी, यह चिन्ह रहेगा, याद रखे रहिएगा, यही चिन्ह है। तो अब उसके बाद हमारा इनवर्टेड कामा लगेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है, जैसे ही सेड टू मी, ही माने उसने, ही माने उसने, सेड माने कहा, टू मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, कामा इनोटेड कामा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप लंबे समय तक जिए, आप लंबे समय तक जिए या आपकी आयु लंबी हो। देखिए इधर कैसे जानेंगे हम कि यहां सेड को हम विश्व में बदलेंगे, अंतरात्मा से। अगर कोई अंदर से कहता है, अंदर से कहता है, आशीर्वाद देता है, तो मतलब उसकी इच्छा होती है, वो अंदर से अपनी इच्छा जाहिर करता है, क्या करता है, आप लंबे समय तक जिए, आप आपको सफलता मिले, इस तरह से जब शब्द रहे, यानी कहने का मतलब जब अंदर से कोई भावना जब प्रकट होती है तो हम ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इसमें क्या कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आप लंबे समय तक जिए, मतलब कि आपके लंबे समय तक की जीने की वो इच्छा कर रहा है। तो जब मतलब मान लीजिए अगर ऐसे वाक्य को अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, हमने लिखा है विश, यानी कि विश माने का शुभकामना प्रकट करने के लिए सेड को विश्व में बदल देते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप लंबे समय तक जिए, तो एक है मतलब कहा ये ही, और सेड को हम किसमें बदल देते हैं, सेड को हम बदलेंगे विश्व में, डब्ल्यू आई एस एच ई डी विश्व, और टी ओ टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लिखे। अब देखिए इधर, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, यही चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे पाई और नीचे बिंदी, यही चिन्ह अगर लगा है तो समझ लेना कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो अब यहां किसी ने पूछ लिया, कहो यहां सेड को टोल्ड में या आस्क्ड में या रिक्वेस्टेड में या प्रपोज में या सजेस्टेड में क्यों नहीं बदले, तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहां जो है शुभकामना, जैसे विश मतलब जब अंदर से कोई भावना प्रकट होती है कि जाओ तुम सफल हो जाओ, ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो सेड को हम विश्व में बदल देते हैं और टीओ टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, बाकी वही पुराना नियम लगाते हैं। कहो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद कहां कहां चलते थे, कर्ता पर। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यहां क्या है, यू है। अब यू कौन सा पर्सन है, अब तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, अब तो याद किए होंगे सब लोग। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है।
अगर यू सेकंड पर्सन है किसके अनुसार बदलाइए, जैसा कि हमने कहा है अगर नहीं देखे हो तो वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख लीजिएगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म क्या मी है, मी है। तो अब ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम भेजेंगे कहां पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये मी का सब्जेक्ट क्या होगा, अब मी को अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर भेजेंगे तो मी को सब्जेक्ट बना करके भेजेंगे। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो पहले देखेंगे मी को हम कहां भेज रहे हैं, यू की जगह पर भेजेंगे। यू है क्या, सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम मी को यू की जगह पर भेजेंगे तो सब्जेक्ट बना करके भेजेंगे। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आई होता है, आई होगा। अब यहां मे है तो मे का माइट हो जाए, आई माइट, मे का माइट हो गया। लिबलांग ऐसे ई पूरा ऐसे उतर गया है, इसमें ये चिन्ह जो है ये हट जाएगा। तो यानी कि ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसी का हम दूसरा रूप बता रहे हैं, देख लीजिए। पहले नियम का दूसरा एग्जांपल। रमेश सेड, रमेश माने कहा, यानी कि रमेश ने कहा कामा इनोटेड कामा, मे यू गेट आपको मिले, क्या मिले, सक्सेस, सफलता। यानी कि आपको सफलता मिले। लिखा है रमेश से, रमेश ने कहा मे यू गेट सक्सेस, मतलब आपको सफलता मिले। यानी कि जब अंतरात्मा से कोई चीज निकलती है तो समझ लेना चाहिए वहां हम सेड को यानी कि विश्ड में बदलेंगे। कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब अंदर से क्या निकल रहा है, आपको सफलता मिले, आपको सफलता मिले। इसका मतलब रमेश ने कहा आपको सफलता मिले। तो अगर ऐसे वाक्य को अगर हमें कभी इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, यहां देखिए, यहां क्या है, उनकी इच्छा है, रमेश की क्या इच्छा है कि आपको सफलता मिले, उनकी ये इच्छा है। तो क्या कहेंगे, रमेश सेड को विश्ड में बदल देते हैं, WISHED विश्ड। और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब बताए ही हम, जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो समझ लेना कि सीधे रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर चलेंगे हम। अब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यहां क्या है, यहां यू है। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार बदलते हैं, जैसा कि हमने कहा है 123/7 यही तो है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो यहां देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं या तो ही या तो, अब यहां मतलब पुरुष का नाम है तो यहां हिम मान लेते हैं। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको भेज रहे हैं किसकी जगह पर, यू की जगह पर। यू है क्या, सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि जिसको हम भेज रहे हैं उसको हम जिसकी जगह पर भेज रहे हैं उसी का रूप बनाएंगे हम। तो यहां जान लीजिए अगर नहीं है तो यहां समझ लेना कि हिम है। अगर यहां मान लीजिए कभी ऐसी सीन आती है कि यहां यू लिखा हुआ है और हमको बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है
तो नहीं है कि अगर यहाँ किसी का नाम है तो जान लीजिए यहाँ हिम है, अगर पुरुष का नाम है तो यहाँ स्त्री का नाम है तो यहाँ जान लीजिए नर है, तो हिम है तो हिम से ही हो गया ही होगा, तो यू की जगह पे ही होगा। अब मे का किसमें बदलेंगे, मे को हम माइट में बदल देते हैं, भूलिएगा नहीं। अगर मे को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो मे को हम किस में चेंज करेंगे, मे को माइट लिख देंगे और बाकी हम जीव का मतलब इसको बदल दिए, इसको बदल दिए। अब जो ये बचा हुआ है इसको हम ऐसे जीव कहते हैं, हम ऐसे उतार देंगे, ऐसे उतार देंगे। तो ये रमेश विश्ड दैट ही माइट गेट सक्सेस। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिवर्स करिए, उसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। अब नियम दो, जब शुभकामना की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सेड को प्रेड में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, यानी कि उसने कहा, कामा इनोटेड कामा, मे गॉड, गॉड माने भगवान, हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करे, मतलब भगवान मेरी मदद करे। अगर कहीं भगवान गॉड शब्द आया हो, जब इनवर्टेड कामा के अंदर गॉड शब्द जी ओ डी गॉड आया हो तो उसको हम सेड को किस में बदलते हैं, प्रेड में बदलते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करें। जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि गॉड शब्द आया हो तो हम उसको यानी सेड को प्रेड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट हटाने के बाद हम रुकेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, गॉड है, गॉड क्या है, भगवान है, तो भगवान, तो भगवान को तो किसी कोई नहीं बदल सकता है, तो इसलिए हम गॉड को हम गॉड उतार लेंगे। अब मे को किस में बदलेंगे, हम माइट में बदलेंगे, माइट फिर हेल्प, अब माइट के आगे भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लागे हेल्प, मी, अब मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता यहां क्या है, ही है। अब हमें ही को किसकी जगह पर भेजना है, मी की जगह भेजना है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब जिसको हम भेज रहे हैं वो तो सब्जेक्ट है और जिसकी जगह पर भेज रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जिसको हम भेजेंगे और जिसकी जगह पर भेजेंगे उसी का रूप बना करके भेजेंगे। अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर भेजेंगे तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम वहां हम उसको बैठा सकते हैं। जैसे यहां ही है और ही को हमको भेजना है मी की जगह पर, अब हम देख रहे हैं मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो यहां हिम होगा, मी की जगह पर हिम होगा, क्यों होगा, क्योंकि मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, अब किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां ही है, तो ही का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। एग्जांपल दो देखिए,
देखिए एक एग्जांपल हम और बता रहे हैं, लेकिन भाई वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और लाइक करिए। अगर लाइक करते हैं तो हम वीडियो हम बनाते रहेंगे, वो आपके पास हम भेजते रहेंगे, और अगर पसंद आता है उसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों को हम भेजते रहेंगे। देखिए लिखा है सी सेड, सी माने उसने, सी माने उसने, सेड माने कहा, सी सेड उसने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, मे गॉड, मे गॉड माने भगवान, पार्डन हिम, भगवान उसे, पार्डन माने क्षमा करें, भगवान उसे क्षमा करें। जब कभी ऐसी सीन आती है कि जो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अगर डायरेक्ट में गॉड शब्द आ जाए, GOD गॉड, अगर गॉड शब्द आता है, कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, मे गॉड पार्डन हिम, मतलब भगवान उसे क्षमा करें, अगर यह चिन्ह रहता है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, इन्हीं कहने का मतलब जब भगवान गॉड शब्द आया है तो हम क्या करेंगे, सेड, सेड को प्रेड में हम बदल देंगे, सेड को प्रेड में बदल देंगे, और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, सी प्रेड दैट। अब हम कहीं कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद कहां चलेंगे, हम सब्जेक्ट पर, यहां क्या है गॉड, तो गॉड हम उतार लेंगे, फिर मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे, फिर इसमें चेंजिंग हो गया, इसमें हो गया, अब इसको हम जो करते हैं इसको उतार लेंगे, PARDON पार्डन हिम, हिम क्या है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, किस पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ही यानी थर्ड पर्सन का, अगर थर्ड पर्सन है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि सी प्रेड दैट गॉड माइट माइट प्रे मतलब पार्डन हिम, यह है। अब नियम तीन देखिए, देखिए नियम तीन, तो नियम तीन में क्या है, अभिशाप, अभिशाप मीन्स श्राप, श्राप जिसको कहते हैं श्राप देना, तो अभिशाप यानी कर्ज देने के लिए सेड को कर्ज में बदल देते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक, देखिए यही पहचान है, देखिए एक पाई खींचा है और फिर बिंदी लगा हुआ है, तो अब इसमें क्या दिए हैं, राम सेड, राम माने राम, सेड माने कहा, यानी राम सेड, राम ने कहा, तो क्या कहा, मे ही गो वह जाए, मे ही गो वह जाए टू हेल नरक को, यानी कि वह नरक में जाए, वह नरक में जाए, तो यहां श्राप दिया जा रहा है। यहां राम सेड, राम क्या कह रहे हैं, मे ही गो वह जाए टू हेल नरक में, वह नरक में जाए, यानी जहां श्राप दिया जाए, तो अगर मान लीजिए श्राप दिया जा रहा है तो वहां हम उस ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो पहले राम है, राम लिखा, अब हम सेड को यहां ना तो विस्ट में बदलेंगे ना तो यहां प्रेड में बदलेंगे, अब विस्ट में हम क्यों नहीं बदलेंगे, उसको नियम एक में हम बताए हैं, वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, सेड को हम प्रेड में क्यों नहीं बदलेंगे, नियम दो में हम बता दिए हैं, जो नियम दो में हम बताए हैं
वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसमें अब हम सेड को किसमें बदलेंगे, इसमें तो ये दिखाई दे रहा है कि राम सेड, राम ने कहा मे ही गो टू हेल, वह नरक को नरक में जाए, वह नरक में जाए, मतलब कि यहां श्राप दिया जा रहा है, इसलिए हम सेड को कर्ष्ट में बदल देते हैं। और कामा इन्वर्टेड काम हटाने के लिए हम दय का प्रयोग करते हैं। अब यानी जब कामा इन्वर्टेड कामा हट जाए तो हम कहां चलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर चलते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता ही है। अब देखा ही कौन सा पर्सन है, तो हम देख रहे हैं ही जो है थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यानी सेकंड पर्सन है तो उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि थर्ड पर्सन है तो उसको हम नहीं चेंज करते हैं, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, ही का ही हो जाए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन रहता है तो उसको हम नहीं चेंज करते हैं। अब मे को माइट में बदल देते हैं और इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया। अब जो ये बचा हुआ है इसको हम ज्यों करते हैं वैसे उतार देते हैं। जैसे एग्जांपल दो देखिए, एग्जांपल दो तो नियम तीन के एग्जांपल दो देख लीजिए। आई सेड मे माई इनिमी गो टू हेल। आई सेड, आई माने मैंने, सेड माने कहा, तो आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, मे माई इनिमी गो, माई इनिमी माने मेरे शत्रु, गो माने जाए, टू हेल मतलब नर्क में, मेरे शत्रु नरक में जाएं। तो आई सेड मैंने कहा मे माई इनेमी गो टू हेल मतलब मेरे शत्रु नरक में जाएं। तो अब देखिए जब ये नहीं कहने का मतलब अगर श्राप दिया जा रहा है जाओ तुम नदी में डूब के मर जाओ, तो जहां श्राप दिया जा रहा हो अब श्राप ने श्राप देना, जहां श्राप दिया जा रहा हो वह हम क्या करते हैं, सेड को कष्ट में बदल देते हैं। सेड को किस में बदलेंगे, कष्ट में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहां देखिए यहां श्राप दिया जा रहा है, अगर जहां श्राप दिया जा रहा है वहां पर हम सेड को कर्ष्ट में बदलेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दय का प्रयोग करेंगे, नियम में हमने लिख दिया है। जब कामा इन्वर्टेड कामा हट जाए तो रुक जा, अब देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता माई नेमी है, मेरे शब्द माई। अब देखा यहां माई के किसका है, पॉजेसिव केस, माई क्या है, पॉजेसिव केस में है। अब इसको बदलेंगे, माई किसका पॉजेसिव केस है, आई कहते, तो जब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहां आई है। तो चूंकि आई का ही पोजेसिव केस है और आई को हम अगर भेजेंगे तो फिर वही पाए, मतलब इसी का यहां पर पोजेसिव केस है, इसलिए हम इसको हम उतार लेंगे। माई नेमी भैया, अब इसको चेंज कर दिए, अब मैं मतलब ये भैया, अब मैं को किसने चेंज करेंगे, माइट में, मैं को माइट में चेंज कर देंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को चेंज करेंगे, अगर चेंज करने लायक है, और नहीं चेंज करने लायक है तो उसको उतार लेंगे। अब मैं को हम माइट में बदल देंगे, अब बाकी हम जो आगे लिखा हुआ है यदि उसमें प्रोनाउन नहीं है तो जो कहते हैं उसको हम उतार लेंगे। गो टू है, देखिए नियम चार में क्या है, अलविदा के लिए, अलविदा के लिए सेड को बेड में बदल देते हैं, बी ए डी ई बेड में बदल देते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो बेड को यानी सेड को हम बेड में कब बदलते हैं, तो कब बदलेंगे हम, अलविदा के लिए, जैसे लिखा हुआ है ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, उसने कहा, क्या कहा, गुड बाय माय कंट्रीमैन, यानी कि गुड बाय माने अलविदा, अलविदा मेरे देश वासियों, उसने कहा अलविदा मेरे देशवासियों। यानी आप जब कभी ऐसी सीन आती है कि इन जब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है और उसको पढ़ने से ऐसे पता चले कि वहां गुड बाय मतलब अलविदा के लिए, गुड बाय माई कंट्री मतलब कि अलविदा मेरे देशवासियों, तो देखा इसमें तनिक हल्का से नियम हल्का सा चेंज है, जैसे ये माई कंट्री मैन है, इसको होना चाहिए ही सेड टू माई कंट्री मैन, मतलब ही माने उसने, सेड माने कहा, टू माई कंट्री मैन अपने देशवासियों से, उसने अपने देशवासियों से कहा, कामा इनवर्टेड कामा गुड बाय अलविदा। तो कहने का मतलब यह है कि अब चूंकि यह किसमें दिया गया है, यह भाग जो रिपोर्टिंग वर्ब का है यह आया है रिपोर्टेड स्पीच में, अब इसको यहां होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कभी ऐसी सीन आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है, तो हम क्या, अगर यही यही चीज यहां होता कि जैसे ही सेड टू माई कंट्री मैन, तो हम क्या करते, ही बेड माई कंट्री मैन, तो माई को हम ना चेंज करते, वही रहता, कब रहता वही, जब रिपोर्टिंग वर्ब में होता। लेकिन अब वो चाहे भूल बस चला गया हो, चाहे वो सौखियन चला गया हो, लेकिन अब क्या करेंगे, ही सेड को हम किसमें बदलेंगे, बेड में बदलेंगे, और कामा इनवर्टेड कामा अब इसको बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे, अब यानी कामा इनवर्टेड कामा यहां हम न दैट लिखेंगे, न टू लिखेंगे, न इफ लिखेंगे, न वेदर लिखेंगे, न सजेस्टेड लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अब इसको देखिए, यानी ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्रिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, तो समझ लेना वहां कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए मतलब किसी का प्रयोग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो अपने आप हट गया इसे। देखिए इधर, तो ही बेड, अब ये माई कंट्री को, कंट्री मैन को यहां लाएंगे हम, ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का,
लेकिन इसमें से ये निकल के चला गया है इसमें, इसलिए हम ये जो माई है अब इसको चेंज करके तब लाएंगे यहां पर, क्योंकि वो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। अगर यही चीज यहां होता ही सेड टू माई कंट्रीमैन तो हम इसको लिख देते ही बेड माई कंट्रीमैन, तो माई को माई ही लिख देते। लेकिन अब वो चाहे भूल बस चला गया हो चाहे वो सौखियत चला गया हो वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चला गया है, तो जब उसको हम लाएंगे तो हम वो जैसे नियम है उसी नियम के अनुसार उसको चेंज करके तब लाएंगे। अब माई जो है ये क्या है, पॉजेसिव केस है, किसका है, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या ही है। अब ही का अब ही को हम भेजेंगे किसकी जगह पर, माई की जगह पर, माई है क्या, पॉजेसिव केस है, तो इसका मतलब ही का पॉजेसिव केस जो होगा उसी में बदलेंगे हम। ही का पॉजेसिव केस होता है हिज। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो ही को हमें भेजना है माई की जगह पर, तो बताइए उनको अगर ही को माई की जगह पर भेजना है तो माई क्या है, पॉजेसिव केस है। और किसका पॉजेसिव केस है, आई का है। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, या रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या ही है। तो इसका मतलब ही को जब भेजेंगे माई की जगह पर इसको हम पॉजेसिव केस बनाकर भेजेंगे, ही का पॉजेसिव केस क्या है, ही जब होगा यानी कि कंट्री मैन, तो ही बेड हिज कंट्री मैन। आप देखिए इसमें तो मतलब कुछ है नहीं, इसमें ये तो है नहीं, क्या मतलब इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हट गया है, ऐसे गुड बाय को हम उतार लेंगे, गुड बाय। देखिए एग्जाम्पल को देख लीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय माय फ्रेंड्स। ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, क्या कहा, गुड बाय अलविदा माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब जब अलविदा के लिए हम सेड को बेड में बदलते हैं, इसलिए मुझे ही हम सेड को बेड में बदल देंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या यहां पर हम किसी का प्रयोग करेंगे, तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए इधर इसमें आप यानी कि वर्ब नहीं है। जब रिपोर्टेड स्पीच में यदि अगर वर्ब है तभी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो कामा इन्वर्टेड कामा अपने आप हट जाए। लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ये माई फ्रेंड्स जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है। ही यहां अगर ये तो यहां चला गया है दूसरे घर चला गया है, इसका स्थान यहां है। ही सेड उसने कहा टू माई फ्रेंड्स, यानी ही माने उसने, से माने कहा टू माई फ्रेंड्स अपने मित्रों से, उसने अपने मित्रों से कहा गुड बाय अलविदा, यानी कि अपने। लेकिन अब चूंकि यहां की इसका जगह जो है यहां है, सेड के आगे है यानी कामा के पहले है, लेकिन चूंकि उसमें चला गया है, अगर ये इसमें होता तो माई को माई रखते रहिए, लेकिन जब ये माई फ्रेंड्स जो ना है वो अमन चला गया है, अब माई को जब इधर लाएंगे, अब जैसे मान लीजिए आप लोग कहते होंगे का गुरु जी माई फ्रेंड्स जो है जब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, तो यहां जो रहता है उसको तो नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का, हम रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है नहीं बदलते हैं, तो
तो इसको क्यों मतलब चेंज कर मतलब कर रहे हो? क्योंकि चूंकि यहां के स्थान पर ये यहां चला गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है, जब उसको हम लाएंगे अपनी जगह पर निकाल करके, तो वही नियम लगेगा जो रिपोर्टेड स्पीच का नियम है, वही सारा नियम लगेगा। तो यहां देखिए माई फ्रेंड्स है, माई है, माई पॉजिटिव केस है, किसका पॉजिटिव केस है, आई कैट है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज हो रहे। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या है, ही है, तो ही का पॉजिटिव केस का हो जाए ही हो जाए, तो यहां माई क्योंकि पॉजिटिव केस है तो माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो पहले ही को हम पॉजिटिव केस बनाएंगे तब माई की जगह पर ले जाएंगे, तो ही को ही हो जाए, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स मतलब गुड बाय। ये चार नियम है, इसको देख लीजिएगा, और अब हम अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।